हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक न्यू पैटर्न बनाएंगे। बहुत इजी पैटर्न है, तीन तीन फंदे में बनने वाला। बेबी स्वेटर के लिए आप इसे कार्डिगन में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने तीन सिलाइयाँ उतारी हैं, तो ये बैक साइड से शुरू होगा। बैक साइड से मैं इसमें दूसरा कलर लगाऊँगी सिलाई को, पूरा उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट करूँगी। ये हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है। तो ये उल्टी तरफ से बैक साइड से पूरी उल्टे उल्टे बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। ये पहली सिलाई उल्टी तरफ से मेरी पूरी हो चुकी है। अब हम सीधी तरफ आ गए, इधर से भी हम इसको उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये मेरी दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं पिंक कलर से। अब देखिए, इधर से हम इसमें वाइट कलर लगाएंगे। अब पहला फंदा हम ऐसे बुनेंगे। अब हम हर फंदे को दो दो बार लपेट कर बनाएंगे बैक साइड से। दो दो बार लपेटते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, लास्ट का फंदा बुनेंगे। अब इधर से पहला फंदा हम बुनेंगे। अब ये फंदे खोलेंगे, तीन फंदे में पहले खोलूँगी, तीन फंदों को सिलाई पर लाऊँगी और ऐसे तीन सिलाई तीन फंदों के फिर से मैं तीन फंदे बनाऊँगी इस तरह से। फिर अगले तीन फंदे खोलेंगे और तीन फंदों को तीन तीन बना देंगे। एक बार बुना, ऊन आगे लेकर आए, एक बार फिर बुना, तो ये हमारे तीन फंदे हो गए। फिर से हम तीन फंदे खोल लेते हैं और फिर से अब हम तीन फंदों को फिर से हम तीन फंदे बनाएंगे इस तरह से। फिर हम तीन फंदे खोलेंगे। तीन के तीन बना देंगे और ये एक फंदा इसमें एक्स्ट्रा है, दो इसको हम दो फंदे ऐसे बुन देंगे बैक साइड से। अब फिर से हम इसमें पर्पल ऊन लगाएंगे, पिंक ऊन लगाएंगे और पूरी सिलाई उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। कितना इजी डिजाइन है। और ये डिजाइन कार्डिगन में बहुत अच्छा लगता है। आप इसे एक कलर में भी बना सकते हैं और दो कलर में भी बना सकते हैं और इसे आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। ये मेरा डिजाइन पूरा हो चुका है। ये देखिए, अब ये इस तरह से बना। अब इधर से ये उल्टी सिलाई उतारेंगे तो बैक साइड से जाकर फिर ये हमारा पैटर्न शुरू हो जाएगा। जैसे इस बार बनाया है वैसे ही अगली बार बनेगा। इसमें कोई फंदा भी चेंज नहीं होना है, इन्हीं के ऊपर ये डिजाइन ऐसे ही बनता जाएगा। बहुत ईजी डिजाइन है।
अभी मैंने इसमें एक एक सलाई डाली है पिंक कलर की। आप चाहें तो ये दो दो भी डाल सकते हैं, चार भी डाल सकते हैं। तो ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। जब आगे आगे बुनेंगे तो देखिए ये पैटर्न इस तरह से दिखाई देगा। तो आज का मेरा डिज़ाइन यही था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।